तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। एंड गाइस आज मैं करने वाला हूँ 20 लाइफ के वे प्रोटीन का रिव्यू। एंड गाइस बेसिकली वे प्रोटीन में कई टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मेरे पास जो वे प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन कंसंट्रेट है एंड एक वे प्रोटीन आइसोलेट भी होता है, जो कि गाइस उस वे प्रोटीन की एक अलग रिफाइंड फॉर्म है। तो गाइस यहाँ पे मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो है वे प्रोटीन 20 लाइफ का कंसंट्रेट वाला। तो गाइस देख सकते हैं पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसकी पैकेजिंग को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पे एक लेपर्ड का आई थिंक लोगो है, जो कि बीबीस का लाइफ का अपना प्रोटीन है। एंड देख सकते हैं ये जो मैं फ्लेवर रिव्यू करने वाला हूँ वो है रिच चॉकलेट फ्लेवर। तो ये रिच चॉकलेट फ्लेवर का बॉक्स बेसिकली अगर आप एक किलो वाला लेंगे तो आपको उसके अंदर वे प्रोटीन मिलने वाला है 924 ग्राम। एंड अगर पीछे आप लोग देखेंगे तो इसकी MRP है 3199 एंड बेसिकली आपको एक ग्राम पड़ रहा है 3.45 रुपए का कुछ। एंड इस पे गाइस अगर कोई भी आप प्रोटीन लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप एक्सपायरी जरूर देख लें, ठीक है। एंड इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें भी बताई गई हैं कि वेन टू कंज्यूम, अर्ली मॉर्निंग और प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। जब भी मैं किसी भी वे प्रोटीन का रिव्यू करता हूँ सबसे मेन चीज जो होती है वो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ही होती है कि आपको 100 ग्राम में या 1 किलो में कितना प्रोटीन मिल रहा है। बिकॉज हम पे तो करते हैं 1 किलो का, बट किसी किसी वे प्रोटीन में 50 ग्राम ही प्रोटीन होता है 100 ग्राम के अंदर। तो हमको प्रायोरिटी वो रखनी होती है कि मैक्स टू मैक्स प्रोटीन हो, यानी कि अगर आप 100 ग्राम खा रहे हैं तो आप उसमें 90% प्रोटीन ढूंढे, 95% प्रोटीन ढूंढे। तो जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ प्रोटीन होगा उतना वो बेटर प्रोटीन होता है। एंड साथ में डाइजीन वगैरह आजकल लोग ऐड करके ब्रांड में दे रहे हैं, बट अगर इसकी बात करें तो ये है सर्विंग साइज एक हुपिंग स्कूप का, जो कि 35 ग्राम का है। एंड अप्रोक्सीमेट सर्विंग साइज यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपकी कुछ 26 सर्विंग है, यानी कि अगर आप एक सर्विंग में हर रोज ले रहे हैं तो ये आपका 26 दिन आराम से चल जाएगा, ठीक है। एंड उसके आसपास या 27 हो सकता है या 25 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे प्रोटीन कितना है, तो एक 35 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि अगर 100 ग्राम में लेंगे तो आपको पड़ेगा 69 ग्राम प्रोटीन। तो उसमें अराउंड 70% प्रोटीन है, यानी कि अगर 1 किलो का बॉक्स है तो उसमें 700 ग्राम प्रोटीन है कुछ। कार्ब्स कितने हैं, तो 35 ग्राम में 4 ग्राम कार्ब्स हैं। मेन बात होती है शुगर की, शुगर है इसमें 1.20 ग्राम एंड 2.40 ग्राम फैट है। तो गाइस बेसिकली इस बेस्ट प्रोटीन वही होता है जिसमें शुगर फैट और कार्ब्स नहीं होते, बट इट इज़ ओके अगर आपको टेस्ट पे जाना है तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बाय, क्योंकि थोड़ा बहुत फैट थोड़ा बहुत शुगर हर एक चीज़ में मिला होता है अगर उसमें टेस्ट लाना है तो। अगर आपको रॉ जाना है तो आपको जान चाहिए वैसी चीज़ों पे जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। एंड ये ब्रांड वैसे भी गौरव तनेजा सर का है, तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट इज समथिंग, क्योंकि वो खुद इस इंडस्ट्री में रहे हैं एंड उनको खुद पता है कि प्रोटीन में कितनी धांधलेबाजी होती है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांड यू शुड गो टू। एंड ये वैसे 1 किलो का बॉक्स है अराउंड, तो मैं इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरी बॉडी पे रिजल्ट कैसा आ रहा है इसका लेने के बाद। एंड गाइस इसके ऊपर भी QR कोड है एंड कोड भी लिखा होता है, तो आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड इस प्रोटीन के अंदर एक खास बात मेरे को और लगी, आपने देखा होगा कि प्रोटीन का जो आपका स्कूप है वो गुम हो जाता है, यहाँ पे स्कूप हैंगर भी लगा हुआ है। तो प्रोटीन में कभी अगर आपका स्कूप गुम हो जाने वाली दिक्कत आप फेस करते हैं तो इसमें ये वो चीज़ नहीं आएगी, आप अपना स्कूप सीधा यहीं पे हैंग कर सकते हैं एंड इजीली अपने प्रोटीन को निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग आई हैव सीन। लिटरली अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको पता होगा एक फीलिंग होती है, यानी कि अगर आप कभी प्रोटीन लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी सी ब्लोटिंग हो रही है, थोड़ी भूख कम हो रही है। बट ये लेने के बाद मेरे को थोड़ा कम लगा, कि ऐसा लगा नहीं कि इससे मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, काफ़ी लाइट में प्रोटीन है। एंड कभी कभी शक भी होता है कि इसमें प्रोटीन हैवी कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं होती एंड बिल्कुल हैवी नहीं होता पेट पे। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग ऑफ दिस थिंग। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में।